महोत्सव जो है 3 दिवसीय हिंडन महोत्सव के 2 दिन के आयोजन हमने देखे और दोनों ही दिन जो हैं दो दो सत्र रहे, सुबह सिटी फॉरेस्ट में और शाम को हिंदी भवन में। बहुत ही लाजवाब और बेहतरीन पेशकश, एक से एक बेहतरीन नाटक भी हुए और सांस्कृतिक आयोजन भी हुए और सभी का एकमात्र उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना। और आज हम तीसरे दिन में प्रवेश कर गए हैं और ये आज का दिन जो है ये बहुत ही खास दिन है। आज हिंडन मंथन यानी कि एक चर्चा परिचर्चा इस विषय पर कि आखिरकार स्थितियां इतनी दुश्वार क्यों हो रही हैं, आखिरकार हालात इतने ज़्यादा दुखद क्यों हैं, पर्यावरण के लिए हमें ऐसे सोचना पड़े प्रकृति के बारे में, प्रकृति के बिगड़ते हालातों के बारे में, तो ये शोचनीय स्थिति है। और उसी पर विचार विमर्श के लिए आज एक से एक प्रबुद्ध व्यक्तित्व जो हैं हमारे बीच में पधारे हैं और ये बहुत ही बेहतरीन आयोजन है। और इस आयोजन का जो है एनवायरनमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट एसोसिएशन द्वारा यहाँ पर आयोजित किया गया है और साथ दे रहे हैं उत्थान समिति के सहयोग से आज ये आयोजन यहाँ पर हो रहा है। और हमारे बीच जो वक्ता आए हैं वो अपने अपने क्षेत्रों के धुरंधर व्यक्तित्व हैं। उन सभी को सुनना, उन्हीं सभी को जानना, उनके विचारों से अवगत होना हम सभी के लिए बहुत ही बड़ी बात है। डॉक्टर जितेंद्र नागर जी के प्रयासों से आज जो है यहाँ पर एकत्र हैं इस मंथन के लिए, क्योंकि ये परिचर्चा अनिवार्य है, ये चर्चा होनी ही चाहिए और इस तरह से जितने लोग बैठे हैं उन तक एक संदेश जो है वो ज़रूर जाएगा। तो आयोजन में शुभारंभ में हमने जो सांस्कृतिक आयोजन थे उनका आनंद लिया और अब जो है हम अपने मंथन की ओर बढ़ते हैं। हमारे बीच में जो जो वक्ता उपस्थित हैं बहुत ही गणमान्य व्यक्तित्व हैं, उन सभी को बहुत ही आदर और मान के साथ मैं मंच की ओर आमंत्रित करूंगी। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि डॉक्टर जितेंद्र नागर जो हैं सहयोग के लिए मेरे साथ ज़रूर जुड़े। डॉक्टर जितेंद्र नागर जी, आपसे अनुरोध है कि मंच की ओर ज़रूर आएं और साथ में जो आदरणीय वीपी यादव जी, इंजीनियर वीपी यादव जी जो हैं हमारे साथ में हैं, मैं चाहूंगी कि वो बहुत ही कमाल की शख्सियत हैं, बहुत ही विद्वान व्यक्तित्व हैं। हम जब भी जो भी व्यक्ति यहाँ पर मंच पर आए उनका पुरजोर तालियों के साथ स्वागत करें। तो जोरदार तालियों के साथ आदरणीय वीपी यादव जी जो हमारे बीच में हैं उन्हें मंच पर बुलाना चाहूंगी। आदरणीय वीपी यादव जी एडिशनल डायरेक्टर हैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, तो तमाम थोड़ी सी व्यवस्थाएं जो हैं, देखिए तालियों की कमी जो होती है ना वो आयोजन को थोड़ा सा वो कर देती है। मुझे समझ नहीं आता कि सुबह सुबह हमारी ऊर्जा कहाँ चली जाती है। सुबह सुबह तो हम बहुत ऊर्जावान होने चाहिए और वैसे भी हम प्रकृति के आगोश में बैठे हैं, तो एक बार पुरजोर तालियां, जोरदार मतलब जोरदार तालियां होनी चाहिए, लगना चाहिए कि एक एक श्रोता जो है वो प्रबुद्ध व्यक्तित्व है और वास्तव में इस आंदोलन से, इस मुहिम से, इस मंथन से जुड़ करके हम सब अपनी अपनी आहुति जो है ना इस यज्ञ में दे रहे हैं। ये एक पावन यज्ञ है, ये मंथन जो है सिर्फ मंथन नहीं है, ये एक यज्ञ है जिसमें हम सब अपनी आहुतियां दे रहे हैं विचारों की। हम सब आज सबको सुनेंगे तो आत्मसात करेंगे अपने भीतर इन विचारों को। बहुत बहुत स्वागत आदरणीय, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। और हमारे बीच में हैं प्रोफेसर सिराजुद्दीन अहमद, उनका भी हम पुरजोर तालियों से स्वागत करेंगे। जामिया मिलिया इस्लामिया से हमारे बीच में आए हैं एक प्रबुद्ध व्यक्तित्व, विचारवान व्यक्तित्व और बहुत ही कमाल के वक्ता हैं। उनकी बातों से, उनके विचारों से हम यहाँ पर अवगत होंगे। आपने माइक की उसमें कुछ परिवर्तन कर दिया क्या जी? है ना कि हम पुष्पों से स्वागत करते हैं आपके चरणों में, पुष्प और वो सब हमने अर्पित किए हैं पहले से ही। तो स्वागत और अभिनंदन, दिल से स्वागत है आप सभी का, आप जैसी शख्सियतों का हमारे बीच में आना और अपने विचारों से हमें अवगत कराना हमारे लिए बहुमूल्य और बेशकीमती पल हैं ये सभी। और अब मैं आमंत्रण दे रही हूँ आदरणीय देवेंद्र कुमार जी को। आदरणीय देवेंद्र कुमार जी जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट यूथ अफेयर्स नेहरू नगर नेहरू युवा केंद्र से जो हैं हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। और जब हम स्वागत करते हैं तो तालियां पुरजोर बजाते हैं। मैंने कल भी कहा था
परसों भी कहा था, लगातार तीन दिन से मैं कह रही हूँ कि तालियां वो नहीं बजाते जिन्हें खुशी या गम होता है, तालियां वो नहीं बजाते जिन्हें खुशी या गम होता है, तालियां वो बजाते हैं जिनके बाजुओं में दम होता है। तो अपनी बाजुओं का दमखम दिखाएं, और मैंने सुना है गाजियाबाद वालों की बाजुओं में बड़ा दम है, विख्यात है हमारा गाजियाबाद अपने दमखम के लिए, तो भरपूर तालियां बजाते रहें, सबका प्रोत्साहन करते रहें, और यकीन मानिए ऐसी शख्सियतों का हमारे बीच में आना हम सभी के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। और ऐसे जो पल होते हैं ना, वो ज़िंदगी की किताब के सुनहरे पल होते हैं। बिल्कुल अनुभूत कीजिए इन क्षणों को, और बिल्कुल एकाग्र होकर के, ध्यानचित्त होकर के इस पूरे आयोजन का लुत्फ लीजिए और ध्यान से सुनिए। बहुत बेशकीमती विचार हमारे सामने आने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का, बहुत अभिनंदन। और अब मैं बुलाना चाहूँगी उत्थान समिति के चेयरमैन आदरणीय सत्येंद्र सिंह जी को, जो कि लगातार हिंडन महोत्सव के माध्यम से दो दिन से इस श्रृंखला को बरकरार रखे हुए हैं और बहुत ही कमाल के आयोजनों से हमें जो है परिचित करवाया, और संतोष आनंद जी के साथ जो हमारा कवि सम्मेलन रहा, अद्भुत अविस्मरणीय यादगार आयोजन था वो निश्चित तौर पर। और अब मैं बुलाना चाहूँगी डॉक्टर जितेंद्र नागर जी को, जिनकी भूमिका बिल्कुल आज वैसी ही है जैसे शादी में एक पिता की भूमिका होती है। वो तमाम व्यवस्थाओं में लगे हैं लगातार जो है सभी तरह की, और पूरा सहयोग, पूरा सानिध्य, पूरा उनका साथ जो है उत्थान समिति के आयोजनों में भी लगातार दोनों दिन तक पूरा पूरा सहयोग उनका मिलता रहा। और भीमराव अम्बेडकर कॉलेज और दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो हैं वो प्रोफेसर हैं, बहुत ही प्रबुद्ध व्यक्तित्व हैं, विचारवान व्यक्तित्व हैं, और वास्तव में वो चिंतित हैं पर्यावरण में इस तरह से बदलते समीकरणों से, इस तरह से आते परिवर्तनों से। किन्हीं शायर ने एक बार कहा था कि न कीजिए जब्त पॉल्यूशन तो फिर ऐसा समा होगा, न कीजिए जब्त पॉल्यूशन तो फिर ऐसा समा होगा कि नीचे आसमां के एक नया और आसमां होगा, धरती गायब हो जाएगी, ये प्रकृति गायब हो जाएगी, सब बिल्कुल आकाशमय, तो वो दुखद स्थितियां ना आए इसके लिए हमें प्रयास करने हैं जी। और बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आदरणीय कृष्ण वीर सिरोही जी का, जिनका आशीर्वाद, जिनका सानिध्य, पूर्व विधायक हैं और लगातार जिनका सानिध्य, साथ सहयोग हमें मिलता रहा। सर, मैं चाहूंगी कि आप मंच पर आए, मंच आपके इंतजार में है। प्लीज सर, पूरा सहयोग इनका लगातार इस हिंडन महोत्सव में हमें मिलता रहा है, साथ मिलता रहा है, सानिध्य मिलता रहा है, कि आपके सर पे छाया बन के चलेगी धूप में, आपके सर पे छाया बन के चलेगी धूप में, वक्त रुखसत घर से अपनों की दुआ ले जाओ। तो कृष्णवीर सिरोही जी जो हैं लगातार हमें वो दुआएं दे रहे हैं, वो सहयोग दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय, आपकी उपस्थिति को नमन करते हैं। और आप सबकी एक एक व्यक्तित्व यहाँ पर, आज हम बहुत से लोगों को सुनेंगे, बहुत सारे अलग अलग विचारों को जानेंगे। जिंदगी को देखने का नजरिया हर व्यक्ति का अलग होता है, और कुछ भी ऐसा अकाट्य सत्य नहीं होता जिसे कोई दूसरी बात न काट सके। तो हर एक के विचार को सुनना और उसमें से बेहतरीन निकाल करके और संशोधन करते हुए आगे बढ़ना, यही जिंदगी है। तो वही एक प्रयास जो है आज यहाँ पर रहेगा। बहुत ही बेहतरीन जो है पल हैं, और अब आगाज़ भी करने जा रहे हैं, लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि हमारी एक भारतीय परम्परा है कि अपने गणमान्य व्यक्तित्वों का आदर सम्मान, ये रहेंगे दो, राकेश जी और ज्ञानेंद्र। और मैं हृदय से मुआफी चाहूंगी, हमारे बीच में दो और विराट व्यक्तित्व हैं, और शायद मैं उन्हें इसलिए भी थोड़ा देर में बुला रही हूं कि उनके कद के हिसाब से मैं चाह रही थी कि हम तालियों के लिए थोड़े तैयार हो जाएं। आदरणीय ज्ञानेंद्र रावत जी हमारे बीच में हैं, बहुत ही प्रबुद्ध व्यक्तित्व हैं, बहुत कमाल के पर्यावरणविद हैं, और उन्हें सुनना जो है ना, यकीन मानिए मैं दावा करती हूँ आज कि आप उन्हें सुन करके बहुत कुछ ग्रहण करके जाएंगे। पुरजोर तालियां हो जाएं आदरणीय ज्ञानेंद्र रावत जी के लिए, अद्भुत व्यक्तित्व उनका, प्रणम्य व्यक्तित्व हैं। एक बार फिर से जोरदार तालियां बजा दीजिए, जोरदार मतलब कि ऐसे लगे कि हाँ भाई आपने स्वागत किया है गाजियाबाद वालों ने। ज्ञानेंद्र जी ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो है पर्यावरण के लिए ही समर्पित किया है, कुछ लोग जो हैं अपने लिए जीते ही नहीं हैं।
तो उन्होंने भी अपने लिए शायद उतना नहीं सोचा जितने इस प्रकृति के संरक्षण के लिए तमाम उम्र वो प्रयासरत रहे हैं। और हमें ऋणी होना चाहिए ऐसे व्यक्तित्वों का, और हम वास्तव में ऋणी हैं सर आपके। ये जितने भी प्रबुद्ध व्यक्तित्व बैठे हैं, शायद ये धरा इन्हीं लोगों की बदौलत बची हुई है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। और हमारे बीच में देवेंद्र कुमार जी हैं। देवेंद्र जी, राकेश अग्रवाल जी, राकेश अग्रवाल जी को मैं जोरदार तालियों से मंच पर आमंत्रण देना चाहूंगी। राकेश अग्रवाल जी जो हैं वो ECPSO दिल्ली, और वो भी जो हैं लगातार पर्यावरण के लिए अपना योगदान देते रहे हैं, और उनको सुनना भी आज, एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन हैं वो, उनको सुनना वाकई हमारे लिए आज बहुत ही बेहतरीन पल होगा। बहुत बहुत स्वागत फिर से एक बार, हम इस आयोजन के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। हम वैसे भी बजा सकते हैं जैसे मैंने कल कहा था। देखिए, तालियां बजाना जो है वैसे तो एक तरह से अपनी उपस्थिति दर्ज कराना है। जैसे युद्ध क्षेत्र में आपने देखा होगा कि सैनिक जब लड़ाई करते हैं तो जय घोष के साथ उनका उत्साह बढ़ाया जाता है, तो हम वही जय घोष करने वाले हैं। और ये सब सेनानी हमारे बीच में उपस्थित हैं और हम उनकी उपस्थिति को नमन करते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी संध्या मिश्रा जी को, मंच पर आमंत्रण देना चाहूँगी कि वो आएँ और हमारे जो मुख्य वक्ता हैं आदरणीय VP यादव जी, उनका अभिनंदन करें और स्वागत करें। संध्या मिश्रा जी जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं NREC कॉलेज, उनका स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं कि वे आए और आदरणीय VP यादव जी को पौधा दे करके इस प्रकृति के लिए एक जो है हम योगदान कर रहे हैं कि एक एक पौधा पिछले दो दिनों से भी लगातार जो है वो दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रण देना चाहूँगी रिंकल शर्मा जी को जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में। रिंकल शर्मा जी आप आए और आदरणीय सिराजुद्दीन अहमद जी का ये पौधा दे करके उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। सरिता मैम हमारे बीच में हैं, सरिता जी उनसे आग्रह है कि वो भी आए। सरिता जी मंच पर आए। सरिता नागर जी, सरिता नागर जी जो हैं वो जीवन संगिनी हैं डॉक्टर जितेंद्र नागर जी की, कदम से कदम मिलाकर के साथ चल, वो आपकी उम्मीद कर रही है कि आप भी खड़े हो, आपकी तरफ देख रही हैं वो सहयोग करें बिल्कुल। आदरणीय कृष्णवीर सिरोही जी को ये पौधा दे करके उनका अभिनंदन और स्वागत। कृष्णवीर सिरोही जी इतने स्नेहिल हैं ना, इतने आत्मीय हैं, इनकी उपस्थिति मात्र से ही हमारा जो आयोजन है ना वो एकदम से बहुत आत्मीयता पूर्ण हो जाता है। पिछले दो दिनों से लगातार इतना, और बाद में आयोजन के बाद भी ये जिस तरह से उत्साह बढ़ा करके जाते हैं वो कमाल की बात है। बहुत शुक्रिया आदरणीय, आपकी उपस्थिति को नमन करते हैं हम। और अब मैं बुलाना चाहूँगी कविता खटाना जी हमारे बीच में हैं गलगोटिया इंस्टीट्यूट से। कविता जी आप आएं और आदरणीय ज्ञानेंद्र रावत सर का जो कि अद्भुत पर्यावरणविद हैं, जिनके बेशकीमती और बहुमूल्य विचारों से आज हम परिचित होंगे, उन्हें पौधा दे करके उनका स्वागत करें और उनका अभिनंदन करें। और अब मैं बुलाना चाहूंगी ममता गुप्ता जी को जो कि प्रेसिडेंट हैं नशा मुक्त भारत संघ की, उन्हें मंच पर आमंत्रण देना चाहूंगी। ममता जी प्लीज आए और आदरणीय देवेंद्र, आदरणीय राकेश अग्रवाल सर को
पौधा दे करके उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। ये मुहिम ना एक अभियान बन जाए तो कितना अच्छा हो कि जो हम हर आयोजन में ही अगर पौधा दिया करें तो ये बहुत खूबसूरत पहल है, बहुत शानदार पहल है। और ये एक मैडम बहुत बड़ी समाज सेविका है, भारत संघ का काम कर रही हूं मैडम जी। सरोज सिरोही जी हमारे बीच में हैं, सरोज योग गुरु गाजियाबाद। सरोज जी योग गुरु हैं, योग और अध्यात्म आज के वक्त की मांग है। कहीं ना कहीं हम जब बहुत आधुनिक हो गए हैं ना तो इन्हीं चीजों से दूर हो गए हैं जो जड़ें थी हमारी, और जड़ से दूर होकर के तो न वृक्ष पुष्पित पल्लवित हो पाता है न व्यक्ति। तो मैं चाहूंगी कि आप मंच पर आए और आदरणीय देवेंद्र कुमार सर का पौधा देकर के अभिनंदन करें और स्वागत करें। सरोज जी जो है योग के लिए पूर्णतः समर्पित होकर के कार्य कर रही हैं। गीतांजलि जी हमारे बीच में हैं, गीतांजलि जी दिल्ली विश्वविद्यालय से, उनसे आग्रह है कि वो मंच पर आएं और उत्थान समिति के जो चेयरमैन हैं सत्येंद्र सिंह जी उन्हें पौधा देकर के उनका हार्दिक अभिनंदन करें। दो दिन से लगातार सत्येंद्र जी सबका स्वागत कर रहे थे, आज हम उनका स्वागत कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। सिरोही सर कितने खुश होकर के आए हैं ना एकदम से, कितना वाकई बहुत बहुत बेहतरीन पल है। और चूंकि सत्येंद्र जी का सम्मान हो गया है और जिक्र अगर सत्येंद्र जी के साथ बबीता जी का नहीं आता तो अधूरा रहता है, तो मैं बबीता मैम से आग्रह करूंगी कि प्लीज मंच पर आएं और डॉक्टर जितेंद्र नागर जी को नहीं जी हम थोड़ी सी परंपरा बदल रहे हैं। बबीता जी जो हैं वो भी उतनी ही स्नेहिल और सरल और एकदम मृदुभाषी हैं, बहुत सरल व्यक्तित्व है उनका। डॉक्टर जितेंद्र नागर जी को मैंने एक खूबी देखी है कि बहुत उनका जिजीविषा भीतर है कुछ करने की, कुछ नया करने की, कुछ अलग करने की, और उसी के अंतर्गत जो हैं वो लगातार लगे हुए हैं इन कार्यों में।